कोरोना से लोगों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद भी हालात सुलझने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको चाणक्य नीति बताने वाले हैं, जिसे शायद सभी को कोरोना से बचने में मदद मिले। श्रेष्ठ विद्वानों में से एक आचार्य चाणक्य ने महामारी फैलने से रोकने और लोगों को इसके बुरे प्रभाव से बचाने के लिए कई बातें कही हैं। उनके अनुसार ऐसे समय में लोगों को धैर्य और सजगता से काम लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य की गिनती श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चाणक्य ने समाज को प्रभावित करने वाले कई तत्वों पर अपने विचार रखे हैं, जिन्हें चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इसी चाणक्य नीति में आचार्य ने महामारी को फैलने से कैसे रोका जाए ये भी बताया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक और अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने से ही महामारी से बचाव संभव है। जितने भी तरीके डॉक्टर्स सुझाते हैं उन्हें अपनाने की सलाह देते हैं आचार्य चाणक्य। साथ ही साथ महामारी को रोकने के लिए बताए गए सभी उपायों का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। राजा यानी आज के समय में सरकार द्वारा बताए गए नियमों का अमल करना चाहिए, तो वहीं उनकी नीति ये भी कहती है कि ऐसे समय में पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी चाहिए। महामारी के दौरान घर में रहने को आचार्य ने सबसे उचित बताया है। उनके अनुसार एक दूसरे के संपर्क से महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए जितना हो सके लोगों से दूरी बनाएं और जनसंपर्क तब तक न करें जब तक महामारी का प्रकोप कम न हो जाए। इसके अलावा ऐसे समय में साफ सफाई के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता को नजरअंदाज करने से बात बिगड़ सकती है। इसके अलावा आज के सोशल समाज के लिए चाणक्य की ये नीति बहुत ही काम आ सकती है, क्योंकि जब कोई महामारी फैलती है तो साथ में फैलते हैं अफवाह। चाणक्य के अनुसार महामारी के बीच अफवाहें तेजी से फैलती हैं, इसलिए अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और न ही अफवाह फैलानी चाहिए। अफवाहों से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अंधविश्वास से भी दूर रहना चाहिए, नहीं तो कोई पाखंडी आपको धोखा दे सकते हैं। हमारी भी सभी दर्शकों से यही विनती है कि कृपया अपने घर में ही रहें और महामारी को फैलने से रोकें। जितना संभव हो सके चाणक्य की ये नीति जरूर अपनाएं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।